सपनों की दुनिया में अब एक नई चमक लाएं, अपने घर की रौनक में चार चांद लगाएं, थकी हुई दीवारों में नया जोश ले आएं। इंटेलेक्स पेंट्स के संग जिंदगी में कुछ अच्छी यादों को बनाएं। पेश है इंटेलेक्स के डिफरेंट वैरायटीज में उपलब्ध शानदार और बेहतरीन पेंट्स, जिसमें शामिल है एंटीक्रैक टेक्नोलॉजी से बना सिग्नेचर इंटीरियर एंड एक्सटीरियर लक्जरी इमर्शन पेंट, जो आपके घर को दे एक नया लुक। संपर्क करें 1-800-21-23-494 पर। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी सड़कनामा .com। इस वक्त मैं मौजूद हूं हल्का रानिया में और मेरे साथ इंडियन नेशनल लोकदल के प्रधान महासचिव हैं एलनाबाद से विधायक अभय सिंह चौटाला। चौटाला साहब, पिछले 3-4 दिन से आप रानिया हल्का में गांव-गांव में जा रहे हैं, 25 सितंबर की रैली भी है और इस बीच जो है पेंशन को लेकर के भी बड़ा प्रदर्शन इनेलो करने जा रही है, क्या कुछ कहना चाहिए? हमने 5 अगस्त को जो पेंशन चौधरी देवीलाल जी ने बनाई थी, जब उन्होंने बनाई थी तो किसी की इनकम नहीं देखी थी, आय नहीं देखी थी, उम्र देखी थी कि 60 साल से बड़ा हो गया तो उसको 100 रुपये मांगा पेंशन शुरू करो और ये पेंशन बढ़ती आज 2500 रुपये हो गई। अब सरकार ने पेंशन काटने के लिए एक योजना बना ली, एक फैमिली कार्ड बनाया इन्होंने, आईडी कह लो कार्ड कह लो उसको, उसमें जिस किसी ने लिख दिया कि मेरी 2 लाख से ज़्यादा इनकम है उसकी पेंशन काट दी। मुख्यमंत्री जी का बयान आया कि हमने अकेलों ने यह फैसला नहीं किया, चौधरी देवीलाल जी ने जब पेंशन बनाई थी तब भी इस चीज़ को ध्यान में रखा था। मुख्यमंत्री जी शायद अपने पद की गरिमा को भूल जाते हैं कई बार, इस पद पे बैठे हुए व्यक्ति को बहुत सोच समझ करके प्रेस में कोई बात कहनी चाहिए। चौधरी साहब ने जब पेंशन बनाई थी तब कुछ भी ऐसा नहीं था, चौधरी भजन लाल ने जिस तरह से आज इन्होंने 2 लाख आय की बात रखी, ऐसे उन्होंने 4 एकड़ जमीन का एक बीच में कहा कि जिसके पास 4 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन होगी उसको पेंशन नहीं देंगे और उनको भी अपना फैसला वापस लेना पड़ा। इस सरकार को भी ये फैसला वापस लेना पड़ेगा। मुख्यमंत्री से पूछूंगा विधानसभा में, एक विधायक की पेंशन 50,000 से लेकर के 5 लाख रुपए तक, 2.5-3 लाख रुपए, 4 लाख रुपए तक होती है और उसकी जो पेंशन है वो सारी उम्र बरकरार है, तो फिर बुजुर्ग को जो पेंशन दी गई है उसकी पेंशन कैसे काटी जा सकती है? उसका भी तो अधिकार है, जो 2 लाख तनख्वाह लेता है वो 2 लाख पेंशन भी लेता है और जिसके आए 2 लाख रुपए है आप उसकी पेंशन काट रहे हो, ये कौन सा तरीका है? इसलिए हमने 5 तारीख को प्रदेश भर में हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के ऊपर प्रदर्शन रखे और मुझे उम्मीद है कि हरियाणा प्रदेश के बुजुर्ग 5 तारीख को बड़ी संख्या में इकट्ठे होकर के अलग अलग जिलों में सरकार के खिलाफ अपना रोष प्रकट करेंगे और चेतावनी देंगे कि या तो हमारी पेंशन बहाल कर दो वरना बड़े आंदोलन के लिए तैयार हो। विधानसभा का सेशन भी आ रहा है कल साहब, इस पेंशन के मुद्दे को लेकर के विधानसभा में भी चर्चा होगी? मैंने कॉलिंग अटेंशन दी है विधानसभा में, 8-9 कॉलिंग अटेंशन अलग अलग दी है, अब देखता हूँ कितनी उनमें से स्पीकर मंजूर करते हैं। जब भी मुझे मौका लगेगा मैं खुल करके सारी बातों पे चर्चा करूँगा, कानून व्यवस्था पे करूँगा, बुढ़ापा पेंशन पे करूँगा, ये जो फसल ख़राब हुई है बारिश की वजह से इस पे भी करूँगा, मुआवजे की बात करूँगा, इनकी लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर चर्चा करेंगे, जो घपले हुए हैं जो आज अलग अलग माफिया खड़े हो गए उनके बारे में भी चर्चा करूँगा, नशे को लेकर के भी कॉलिंग अटेंशन दे रखा है मैंने, नशे की हालत आज बहुत ज़्यादा ख़राब है, कोई गांव शहर कस्बा बचा हुआ नहीं है इससे, बहुत सारे नौजवान बच्चे जो है इस नशे की वजह से अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर चुके हैं, बहुत सारे बच्चे परमात्मा को प्यारे हो चुके हैं, बहुत सारे घर बर्बाद हो चुके हैं,
ये बहुत बड़ा इशू है, इन सब बातों पर चर्चा करूँगा। मुख्यमंत्री आए थे पिछले दिन, ओड्डा में रैली करी थी, उनके सामने भी हमने रखा था कि नशे के कारण काफ़ी मौतें हो गई, रानिया में भी लगातार जो चुनाव के वक्त भी काफ़ी मौत हुई नशे को लेकर के। सीएम ने भी माना कि 24 से अधिक मौत हो चुकी है, लेकिन उसको रोकने का प्रयास है वो पुलिस, आपको लगता है कि किस तरह से करना चाहिए क्या? बात पुलिस की नहीं है, अकेले की। अगर ऊपर सरकार में लगेगा अधिकारियों को कि भी सरकार नाम की कोई चीज़ है तो पुलिस अपने आप ही काम करेगी। ऊपर तो लुटेरों का गिरोह है, पुलिस के लोग खुद भयभीत हैं, डरे हुए हैं, इस बात से लोग डरते हैं कि कल को किसी को पकड़ लोगे पता नहीं किस मिनिस्टर का फोन आ जाएगा, कल किसका कान तबादला हो जाएगा, कल किसके खिलाफ पता नहीं क्या कार्रवाई हो जाएगी। पुलिस का देखा नहीं आपने कैसे एक डीएसपी के ऊपर नंबर चिढ़ा दिया गया, उसको मौत के घाट उतार दिया गया। तो पुलिस तो खुद, ये नशा भी एक माफिया है खनन की तरह, इनसे डरते हैं पुलिस वाले। ये क्या करते हैं, जिसको पकड़ के ले जाएंगे पुलिस वालों को डराएंगे कि मर जाएगा, मर जाएगा तो तेरे खिलाफ 302 बनेगा। आप कानून इस तरह का बनाओ कि कोई नशा का कारोबार करने वाला व्यक्ति है, आप जा कर के पकड़ते हो जो पीने वाला है, वो बेचने वाला नहीं है। जो असल जड़ है उस तक पहुंचो ना, कौन बेच रहा है, वो नशा आया कहाँ से, पहले तो उस तक जाओ, और माफिया कौन है। आप नशा करने वाले को एक आदमी को ले जाके पकड़ के जेल में बंद कर देते हो, गरीब घर के बच्चे को, और या अगर कोई ठीक घर का बच्चा नशा करता हुआ मिल जाता है आप उससे पैसे खा जाते हो, उसको छोड़ देते हो। ये जो तरीका है ये गलत है। माफिया को पकड़ो, कारोबार करने वाले को पकड़ो, ताकि ये जड़ से समाप्त हो। हिसार गगन ट्रेन चटल साहब, पिछले साल भी चुनाव से पहले टूट गई थी, इधर रुपाणा आपका जो हल्का है शक्कर मंदोरी, अब भी पिछले कई दिनों में दो बार टूट गई, दड़बाकला के पास पूरा जो है फसलें सैकड़ों एकड़ बर्बाद हो गई, कल फिर टूटी है गुड़िया खेड़ा और बकरियां वाली, जहाँ पे 250 से ज़्यादा एकड़ में जो फसल है वो बर्बाद हो गई है। सरकार को इस बात से सबक लेना चाहिए था कि पिछली बार उस ड्रेन की वजह से कितना नुकसान होता होता बचा था। अगर मौके के ऊपर मैं उसके ऊपर कार्रवाई ना करता, मैं वहाँ पे मशीनें ना भिजवाता, मैं मौके पे अपनी पार्टी के साथियों की ड्यूटी ना लगाता, तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था। हमने अपने तौर के ऊपर बहुत काम किया और 3-4 गांव डूबने से बचाए। अब सरकार की जिम्मेवारी बनती थी कि उसको आगे ले जा करके उस पानी को कहाँ किस ड्रेन में डालना है, या इसमें घग्गर में ला करके डालना था, इसके लिए उनको काम करना चाहिए था, कागजों में जरूर कर रखा होगा, लेकिन खा गए पैसे। सारे काम आजकल सिर्फ और सिर्फ पेपर वर्क है, कहीं भी धरातल पे एक पैसा खर्च नहीं है। पैसा तो यूं कहीं यूं डकार जाते हैं, यूं कहीं यूं खा जाते हैं, क्योंकि गिरोह काम कर रहा है, सरकार नहीं। कल जाएंगे आप वहाँ पे इस उस इलाके में जहाँ पे बर्बाद हुई फसलें? कल मैं सारे गांव में होकर के आऊँगा, गांव के लोगों से मिलूँगा, सारी जानकारी लूँगा और मुख्यमंत्री से बात भी करूँगा। डीसी से मैंने कल बात करी थी, परसों भी बात करी थी। डिप्टी कमिश्नर कहने लगे कि मैं कोशिश कर रहा हूँ मेरी तरफ से, लेकिन करूँ क्या, बारिश बंद नहीं हो रही, इसकी वजह से मजबूरी है। मैं मान सकता हूँ कि चलो बारिश बंद नहीं हो रही तो क्या सब जगह बंद नहीं हो रही? आज तो सारी जगह हालत ऐसी है, कोई गांव नहीं बचा हुआ जिस गांव में पानी ना खड़ा हो। प्रशासन को अलर्ट होना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए, इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। जहाँ कहीं लोग अपनी पंप लगा करके पानी निकाल रहे हैं उनको तेल उपलब्ध कराना चाहिए। जहाँ की पंचायतों में पैसा पड़ा है जो ये खा गए, जो बचा हुआ पैसा है, कम से कम गाँव के लोगों को इस मौके के ऊपर उस पैसे को खर्च करने की इजाज़त देनी चाहिए। तो साहब, ये रानिया हलका है, यहाँ से विधायक कैबिनेट मंत्री हैं, आप भी गांव-गांव में जा रहे हैं, आपने कई गांव में भी कहा कि पिछली बार चौधरी साहब का फ़ोटो लगा करके, चौटाला साहब का आशीर्वाद कह करके
चुनाव जीत गए। अब क्या लग रहा है, लोग क्या कह रहे हैं, विकास कितना का हुआ है, क्या लग रहा है, ऐसी पुनरावृत्ति फिर से हो सकती है, क्या करेंगे? कोई विकास नहीं हुआ जी, कोई मैं आरोप नहीं लगा रही है। आम आदमी से पूछा है, उन्होंने खुल के बताया है कि हमारे यहाँ कोई विकास नहीं, कोई रोजगार नहीं। हर आदमी चाहता है कि जिसका बच्चा पढ़ लिख लिया हो उसको रोजगार मिले, नौकरी मिले, सरकार उसको प्रोत्साहित करे। आज कोई रोजगार नहीं है, कोई नया विकास का काम नहीं है। सड़कों की हालत आपने देखी है, कैसे सड़कों में खड्डे हैं, जगह जगह गाड़ियां भी निकलना मुश्किल हो रखी है। बारिश का समय, गांव की गलियां जो है पानी से भरी पड़ी है, लोगों को अपने घरों में जाने के लिए भी दिक्कत आ रही है। अगर इसको कोई विकास कहे तो फिर मैं समझता हूँ कि उसकी बहुत बड़ी भूल है। कई गांव ऐसे भी हैं जिन गांव में जो नुमाइंदे चुने गए वो भी नहीं पहुँचे। लोग हम इस बात को लेकर भी गुस्सा है। अब ये तो उनको सोचना है कि उन्होंने लोगों के साथ किए वायदों को कैसे पूरा करना है। मुझे नहीं लगता कि वो वायदे पूरे कर पाएंगे। तो ये थे हमारे साथ अभय सिंह चौटाला। लगातार हमारे साथ बने रहिए और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिए। इस वीडियो को लेकर के आपकी क्या राय है, आप अपने कमेंट सेक्शन में अपनी राय भी जरूर दे सकते हैं, ताकि अगली वीडियो पे उस राय पे भी चर्चा की जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया।